आज जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां माली कम चौकीदार जो हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शाहनवाज साहब हमारे साथ हैं, ऑल जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ रामसूप शर्मा साहब हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो जहां पे मौजूद हैं, और एक ही मेन मौकफ और मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज से 20-25 साल पहले जिन लोगों ने अपनी जमीनें डोनेट की पंचायत घर का निर्माण करने के लिए बनाने के लिए, इन लोगों ने मुफ्त में जमीनें दी डोनेट की हैं, और इन लोगों को तब 20 साल पहले तब की सरकारों ने जे कहा, तब के मंत्री संतरी जो थे उन्होंने जे कहा था कि आप हमें जमीन दें, हम जमीन के बदले आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे और परमानेंट डेली वेजर जो है वो आपका ऑर्डर करेंगे और 9000 रुपया महीना आपको तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो बातें सिर्फ बातों में रही, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी साहब से और आदरणीय होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से और बिलखसूस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि इन लोगों को परमानेंट डेली वेजर का ऑर्डर किया जाए। इन लोगों ने 20-25 साल पहले अपनी जमीनें दी थी और कुछ लोगों को पंचायतों ने ग्राम सभा के अंदर रेजोल्यूशन पास करके कुछ लोगों को लगवाया था। ये लोग तमाम 20-25 साल से अपनी सर्विसेज की अदायगी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी भी सरकारी स्कीमें आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सरकारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन लोगों का भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। ये पंचायत घरों के अंदर पंचायत घरों के रख रखाव भी ये लोग करते हैं, वहां साफ सफाई का काम भी ये लोग करते हैं, वहां चाय पानी का इंतजाम भी बनाने का यही लोग करते हैं। बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र भाई मोदी साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है मनोज सिन्हा साहब से कि इन लोगों के ऊपर नजरसानी की जाए, इन लोगों को अपनी ड्यूटी की अदायगी करते हुए 20-25 साल हो गए हैं, जे लोग कुछ लोग तो बूढ़े भी हो गए हैं लेकिन इनको इन लोगों को अभी तक कोई भी जो है सरकार की तरफ से कोई भी तनख्वाह कोई भी किसी किस्म का फायदा इन लोगों को नहीं मिल पाया। बतौरे प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत काउंसिल एक बार फिर से हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पे इन लोगों को 9000 रुपया महीना इन लोगों को लगवाया जाए, इन लोगों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाई जाए और सबसे जरूरी है इनको 9000 रुपए महीने पे परमानेंट डेली वेजर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत घरों के अंदर ऑर्डर किए जाए और तमाम लिस्टें जो हैं वो सेक्रेटरिएट के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं, वो जो डायरेक्टर कश्मीर हैं डायरेक्टर जम्मू हैं उनके पास लिस्टें बनी पड़ी हुई हैं, और अगर किसी चीज की और कोई हम लोगों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन बनती होगी लिस्टें बनाने के लिए वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, और जल्दी से जल्दी इन लोगों को जो है 9000 रुपया महीने पे इन लोगों को लगवाया जाए। और हमारी जे और अपील है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले पहले ही इन लोगों को जो है ऑर्डर जो है इनके हाथ में दिया जाए।